And a very good evening to everyone, those who have joined for the online class. And now we would be discussing the current affairs of the month of January, in which different parts would be covered. And it is totally a prelims aspect. Jo bhi, either you are preparing for 2021 or you are basically preparing for 2022. Chahe 21 ke liye prepare kar rahe hain, chahe 22 ke liye prepare kar rahe hain. It becomes very important that you are covering this current affairs at least for 1 to 1.5 years tak cover karna hi padega. To jo 22 ke liye bhi kar rahe hain, unko hum advise karte hain ki 1.5 years ka karo. Aur 21 ke liye bhi 1 to 1.5 years ka current affair aapko karna chahiye. तो जो 22 में भी पेपर देंगे, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर कवरिंग दिस करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, ताकि आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज हो सकता है उस तरीके से. एंड वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद दिस. बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस, लेट मी मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट दैट वी आर कंडक्टिंग अ स्कॉलरशिप टेस्ट. ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड बाय मुलुक का आईएएस, दैट इज बोथ फॉर द हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं मुलुक का आईएएस ऐप पे जाके. 8 और 11 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है. यू कैन एनरोल योरसेल्फ एट मुलुक का आईएएस ऐप. वहां पे जाके एनरोल करेंगे तो आपको वो पूरे का पूरा मिल जाएगा. द स्कॉलरशिप दैट विल बी गिवन बाय मुलुक का आईएएस इज अप टू 90% तक का अपने जीएस फाउंडेशन बैच के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर दैट यू आर गेटिंग, कितना आप स्कोर ले रहे हो उस स्कोर के हिसाब से आपको वो मिलेगा. चलो, इसके बाद एक और वीडियो है, दैट इज बेसिकली वैसाखी और उगाड़ी का जो दैट अनाउंसमेंट विल बी मेड बाय सिद्धांत सर, तो वो भी आप डेफिनेटली सुन सकते हैं रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप दैट वी आर ऑफरिंग. अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से. द करंट अफेयर्स विच वी आर कवरिंग द ऑब्जेक्ट. बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस करंट अफेयर, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, सो दैट बार बार सेम चीज आप लोग ना पूछो, आपके लिए भी आसान रहेगा, हमारे लिए भी आसान रहेगा. द फर्स्ट थिंग दैट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट द नोट्स जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे कहां पे? वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे. द नोट्स विल बी मेड अवेलेबल एट द वीडियो डिस्क्रिप्शन, वो आपको वहीं पे मिलेंगे और आगे पीछे कहीं नहीं मिलेंगे, पहली बात. दूसरी बात, उसमें दो अलग अलग नोट्स होंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से मिलेंगे और हिंदी मीडियम के लिए अलग से मिलेंगे. इट इज गिवन फॉर बोथ द मीडियम्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, और आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे. ऐसा नहीं कुछ अलग से दिया जाएगा या कुछ और होगा. तो अब जो भी स्टूडेंट्स बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट जो ऑनलाइन देख रहे हो कि आप ही उनको बोल देना यार कि डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा. बस टाइम एंड अगेन वो एक मोमेंटम टूट जाता है, तो वी डू नॉट वॉन्ट दैट दैट शुड बी ब्रोकन. तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों का अलग से मिलेगा, हिंदी का अलग से, इंग्लिश का अलग से है, और यहाँ पे भी उसी हिसाब से आपको जो भी है कोई डाउट नहीं आएगा. पहला जो हमारा टॉपिक है अभी जो कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली पथारूघाट अपराइजिंग. ये अपराइजिंग है, इट वॉज एन अपराइजिंग दैट वॉज बेसिकली अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर. ब्रिटिशर के टाइम के ऊपर एक अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर. क्यों हुई थी? Because of the revenue that they were there, जैसे ही इन्होंने असम को conquer किया, असम को दो बार conquer किया था अलग अलग time period के time पे, basically असम के भी interference, conquer भी करने की जरूरत क्यों पड़ी? 1824 से लेके 1826 तक, when the Britisher they were looking for a passage from Assam, कि आने आगे वाले area को जाके north east को वहाँ पे rebellion defeat करना है, and एक passage दे दो. But the passage was given with a condition that कि आप interfere नहीं करोगे हमारी internal administration में, पहली बात. दूसरी बात, जब जीत के वापस आ गए थे तो वहां पे they started interfering into the internal affairs of Assam, and बाद में problem create करते हुए they had increased the land revenue, और land revenue 70-80% तक इन्होंने increase कर दिया था. That was a very big problem that was there. इसके खिलाफ ये uprising हुई. The unarmed peasants that were there, they were protesting against the increase in land revenue. Land revenue increase हुआ था colonial administration की context के चलते. इसके context में ही there is 1894 में बाद में हुआ था पथारूघाट uprising. पथारूघाट uprising directly आपको एक question पूछा जा सकता है. जैसे ही इन्होंने
असम वाले रीजन को कॉन्कर किया, उसके बाद प्रॉब्लम्स इंक्रीज होगी एंड देयर फाइनली लेड टू अपराइजिंग इन 1894 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सेम ट्रांसलेशन उसी चीज का आपको हिंदी में मिला है जो समझा रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्वाइकेथन 2021, व्हाट इज देयर। नॉर्मली इंडिया में क्या चल रहा है कि जितने भी टॉयज आ रहे हैं वो बेसिकली इंपोर्टेड टॉयज हैं। मेजोरिटी ऑफ द टॉयज दैट आर देयर इन द कंट्री आर इंपोर्टेड टॉयज। तो सरकार क्या कह रही है कि ऐसे टॉयज को इंपोर्ट कंपेरेटिवली बंद करो, या बंद ना करो कम से कम रिस्ट्रिक्ट करो या कम कर दो। और रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है भाई, अ वेरी सिंपल थिंग कि आप खुद टॉयज डेवलप करो और ऐसे टॉयज डेवलप करो ताकि इंडिया की वैल्यूज को प्रमोट किया जा सके। दैट इज वॉट इज बींग फोकस्ड अपॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कल्चर डिपेक्ट कर रहे हैं, आर्मी में टैंक है, कलाम साहब है, अनदर थिंग दैट आर देयर। इसके लिए ही ताकि इंडिया के कल्चर को ही हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इंडिया की वैल्यूज को किस तरीके से प्रमोट करते हैं उसको दिखाने के लिए। करंटली 80% आर इम्पोर्टेड। लॉन्च किसने किया ये? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, तीनों का नाम पता होना चाहिए। दैट दे वुड बी कंसेप्चुलाइजिंग इनोवेटिव टॉयज। लेकिन ध्यान में रखना कि इनोवेटिव टॉयज बेस्ड अपॉन इंडियन द वैल्यू सिस्टम दैट वुड बी देयर, सो दैट द पॉजिटिव बिहेवियर एंड द गुड वैल्यूज अमंग द चिल्ड्रन कुड बी डेवलप्ड। इसको लॉन्च करने की रीजन जरूरत ही क्या बढ़ गई। इस तरीके से कार्टून आते हैं और बच्चे भी मेजोरिटी कार्टून की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं पेरेंट्स से, और वहां का अलग कल्चर होता है, यहाँ का इंडियन वैल्यू सिस्टम अलग से है। अपने वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये किया है। द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, टॉय एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप एक्सेट्रा, इन्होंने बोला कि आप आइडियाज इकट्ठे करो फॉर डेवलपिंग टॉयज एंड गेम्स दैट आर बेसिकली बेस्ड अपॉन इंडियन कल्चर, इंडियन एथोस के ऊपर। तो आपको क्या पता होना चाहिए ये किसके लिए है और किसने लॉन्च किया है, दैट इज देयर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये टॉयकेथन दैट इज देयर 2021 लोगो आपको ये मिलेगा अलग अलग। द पॉवर बिल बेसिकली बिल है, दिस इज जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आपको असम में कहाँ पे देखने को मिली जाएगी। एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे, असम वाले रीजन में, एंड इट इज ऑल्सो असम्स ओनली रामसर साइट। असम के एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और एक फॉर एग्जाम्पल कह सकते ओनली रामसर साइट दैट इज देयर इन दिस। एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट। एक है क्या ये, एक वायरल डिसीज है दैट विल बी अफेक्टिंग अ वैरायटी ऑफ द बर्ड्स इंक्लूडिंग बेसिकली जो लोग कुछ नॉन वेज खाते हैं उसके लिए भी। दिस द वायरस दैट इज देयर, वायरल डिसीज दैट इज देयर दैट वुड बी अफेक्टिंग डिफरेंट बर्ड्स, ये ह्यूमन के साथ किसी ना किसी कंजम्पशन के साथ लिंक है। चिकन फॉर एग्जाम्पल दैट आर देयर, डक्स, टर्कीज, क्वेल्स, या पेट बर्ड्स या वाइल्ड बर्ड्स, एंड देयर फॉर ये कंपेरेटिवली इसको ईजिली फैला जा सकता है। टू वायरस टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, कौन सा, H5N1 एंड H5N8 दैट हैज बीन देयर, कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे काफी चांसेस है, मेजर कंसर्न ऑफ उनका बेसिकली दोज हु आर कीपिंग द बर्ड्स। ये दो लोगों को नुकसान हो सकता है, एक तो जो खा रहा है उसको तो नुकसान होगा ही होगा, सेकंडली इकोनॉमिक इफेक्ट भी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है तो उसके लिए अगर उनको एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया तो डेफिनेटली देयर लाइवलीहुड विल बी इफेक्टेड। तो दोनों को दोनों ही नुकसान कर सकता है। एक बार तो UPSC ने यह भी पूछ लिया था H5N1 है क्या, सच अ सिंपल क्वेश्चन, अप्रॉक्सिमेटली 2014 या 16 के आसपास पूछा गया था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी UPSC में आ सकता है, इन्फ्लुएंजा है ये, वायरल है या कुछ भी एक्सेट्रा, या फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है कुछ भी, तो वो आपको पता होना चाहिए है क्या एट दैट पॉइंट, क्योंकि बहुत बार एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पालतू पक्षी या जंगली पक्षी इन सब के लिए हो सकता है। विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ, बस आपको लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पे है, इट इज DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको ये पाया जाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये काफी ज्यादा न्यूज में है, हमारे हिसाब से ये प्री और मेन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो ऑब्जेक्ट्स, आप सिंपल समझे तरीके से समझाने के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स है आपस में जुड़े हुए हैं और इनका स्पिन आपस में जुड़ा हुआ है, और चाइना में ये न्यूज में था क्यों, बिकॉज इन्होंने एक कॉल्स को या नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की कोशिश करी है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, अगर आप एक में चेंज करोगे तो दूसरे में चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप दोनों आपस में कितने डिस्टेंस पे है दैट इज नॉट अ मैटर एट ऑल, दे आर बेसिकली लिंक्ड विद ईच अदर, टू ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से लिंक किए गए हैं, एक में चेंज किया दूसरे में चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दे। न्यूज में क्यों है,
इट इज इन न्यूज बेसिकली इन द कंटेक्स्ट की आज किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है दूसरे सेंटर पे, एंड दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी कंपैरेटिवली वेरी सिक्योर्ड. उसके लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट, और चाइना ने रिसेंटली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है. टू ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल से टू पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल फोटॉन्स, दे आर एंटेंगल्ड विद ईच वन अनदर. Changes made in one will having the effect or reflected on the others also. Distance ka koi fark nahi padta. This property can be used to transmit the message at a very high level of secrecy. Iske context mein hai. China ne 2020 mein demonstrate kiya hai quantum communication technologies using satellite MICS. Connect kiya hai. दोस्त एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस कराई है एक जगह पे, दो जगह पे, जहां पे 1120 किलोमीटर they are basically apart from each other. They use a satellite not to transmit the entire communication, but they would be basically sending a pair of the keys, secret keys kari jayegi, do alag alag group station se, wahan jo ek dusre se entangled hai, to wo ek se message bheja, dusre wahan pe encrypt kar payenge usko. To aapko kya pata hona chahiye, ek to MICS ke bare mein pata hona chahiye kya hai, aur dusra entangled quantum entanglement ka concept kya hai, ye kafi acche tarike se directly aapse pucha ja sakta hai. Next is institutions of eminence. Institution and a very good evening to everyone. Institutions of eminence basically hota kya hai? There are certain institutions that are there, education institution, unki functioning comparatively jyada hai, badhiya hai. Or for example, kuch nahi, it's not available, Chandrakant. Separately is not available. Now, we need to give more autonomy to certain institution. Kuch education institution ko more autonomy dene ki zarurat padti hai, lekin every education is not on a education institution is not on a common level. Sab koi kahin pe development pe hai, kisi mein courses acche ho rahe hain, kisi mein average ho rahe hain, kisi mein courses according to the market demand ho rahe hain, according to the demand of the foreign students ho rahe hain, kisi mein wahi normal education institutions mein jo classes chalti hain. Therefore, the government has taken a decision कि अगर किसी को world class level के ऊपर कुछ institutions को हमने develop करना है, तो उनको comparatively more freedom देनी चाहिएगी. किसके context में? In the designing of the courses, setting up associations, for example, in abroad, और किस तरीके से इनको पैसा दिया जा रहा है, उसको हम किस तरीके से positively use कर सकते हैं. ज़्यादा scrutiny ना हो, allow them to, for example, use the money as they want to. कुछ organizations को इसलिए 20 के context में institution of eminence की बात हो रही है. पहले बात, दूसरी बात. On the recommendation kiske N Gopal Swami committee that was there, the university ne 20 institutions ko choose kiya hai institution of eminence tag ke liye. To aapko pehle baat to ye committee ka naam pata hona chahiye, N Gopal Swami committee, jiske context mein hua hai. The tag will be given a greater autonomy and the freedom to decide fees kar sakte hain, course duration kitna hoga, ya unka governance structure kaisa hoga ye bata sakte hain. Jo bhi universities ya colleges ke sath ye tag they could now set up a campus in the foreign countries also, jahan pe ye, for example, inko ye tag mila hua hai, to foreign countries mein bhi campus set up kar sakte hain. The for private institution jitne bhi hain, the tag will be, there will be no financial support, but they will be entitled to more autonomy as a special category deemed university. Agar private universities usme se jaise 10 public hai, 10 private hai, unko aisa financial assistance to pehle bhi nahi diya ja raha tha, अभी भी नहीं दिया जाएगा, बट ऑटोनॉमी दे दी जाएगी और उनको ऐसा डील किया जाएगा ताकि वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाएगा, जो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसमें कंपैरेटिवली चूज करेंगे. रिपोर्ट ऑन द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, कौन तैयार करता आपको पता होना चाहिए. इट इज बेसिकली बींग प्रिपेयर्ड बाई क्लाइमेट रेजिलियंस ऑब्जर्विंग सेंटर प्रमोशन काउंसिल, इसको प्रिपेयर करता है. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है ताकि अर्ली लाइटनिंग फॉरकास्ट जो भी है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर दी जाए और इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी जाए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मोस्ट स्टेट्स हैव नॉट नोटिफाइड लाइटनिंग एज अ डिजास्टर. मेजॉरिटी स्टेट्स ने इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं पढ़ने को नहीं मिलता कि लाइटनिंग ही फॉर एग्जाम्पल एक डिजास्टर हो सकता है. काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये स्टेटमेंट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है. मास्ट फिन फुट एंड बटर आउट
दो इमेजेस है बटरा और मास्क फिट, ये बेसिकली बर्ड्स हैं बेयर फाउंड ओनली फ्रॉम द रीजन ऑफ सुंदरबंस, और सुंदरबन से ये दोनों के दोनों बर्ड पाए जाते हैं। प्रीपैक्स क्या होता है? प्रीपैक्स एनी आइडिया? काफी बार न्यूज में आ चुका है, ऑनलाइन ऑल्सो। प्रीपैक्स क्या होता है? अरे कुछ तो पढ़ ही रहे होगे करंट पहले, चलो ठीक है, ये बहुत बार आ चुका था। देखो देयर आर वेरियस टाइम्स जब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या हो गया या कुछ भी और हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि आप एग्रीमेंट कर लेते हो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टेसी कोर्ट से बाहर आके, एग्रीमेंट क्या कर लेते हो बेसिकली इन द रिगार्ड कि जहां पे आपने डेप्ट लिया हुआ है बट अनेबल टू रीपे द अमाउंट, एक डेप्ट रेजोल्यूशन करना है, बट डेप्ट रेजोल्यूशन करना है बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि इसको जल्दी से किया जा सके। आपने पैसे लिए हैं, किसी ने पैसे दिए हैं, तो वहां पे कंपैरेटिवली प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए क्या है जरूरत ही क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस वेरियस इंडस्ट्रीज, और कहां पे इंप्लीमेंट किया गया है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अगर आपका डेप्ट रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है एंड द अमाउंट इज फॉर एग्जाम्पल 1 crore, 1 crore तक को है अगर अमाउंट है, तो आपने डिस्प्यूट को जल्दी से ओवरकम करने के लिए, जल्दी से सेटल करने के लिए, आप नॉर्मली जब आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टसी कोड अगर इम्प्लीमेंटेबल है या कहीं पे और कोई रेजोल्यूशन किया गया है, तो वहां पे क्या कि कभी ना कभी टाइम टेकिंग हो जाता है। इसको स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि आईबीसी में भी बोला गया था 120 दिन या 90 दिन के कंटेक्स्ट में, इसने भी बोला कि डेफिनेटली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आजकल के कंटेक्स्ट में कोरोना वायरस के चक्कर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देयरफॉर द नीड ऑफ द आर कि जल्दी से इसको रेजोल्यूशन 90 दिन में कंपैटिबली खत्म हो जाना चाहिए। एक जो भी एक रीफाइनेंस जो फाइनेंस दे रहा है और जो दूसरा आपस में सेटलमेंट करने के लिए, बेसिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कंपनीज जो डिस्ट्रेस्ड है through an agreement between secured creditors and investors instead of public process. The government may amend IBC or isko introduce karne ke liye as a resolution mechanism. In India, such a system would require the financial creditors, they would be agreeing to the terms. Jo usne paisa diya hua hai, wo agree kar lenge, chalo theek hai, hum is baat ko mante hain. Approval to resolution plan, kahan se lena padega? National Company Law Tribunal, bahut hi zyada important hai. Prepacks, prelims mein directly pucha ja sakta hai. गवर्नमेंट ने 2020 में एक कमेटी भी बनाई थी अंडर एमएस साहू चेयरमैन ऑफ द रिस कोड टू लुक इनटू द इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल डिफरेंट इश्यूज इंक्लूडिंग प्रीपैक्स कि ये कैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टेंसी मैकेनिज्म में एक और क्लॉज कैसे किया ऐड किया जा सकता है तो वहां पे ताकि वो इजिली उसको इम्प्लीमेंटेबल भी हो। मृदुल चमोली, देखो मैं समझा तो हिंदी और इंग्लिश में ही रहा हूँ, दोनों ही है, तो साथ में आप पढ़ सकते हो, समझाने का काम तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही हो रहा है, सेम उसी की ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं है। लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आधे पे इंग्लिश हो और आधे पे हिंदी हो, नेक्स्ट क्लास में हम ये कोशिश करेंगे ताकि दोनों के दोनों ही साइमल्टेनियसली देखा जा सके, पढ़ा जा सके। लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया, 1600 टन लिथियम रिजर्व मिला है इन द पिग्नेट्स इग्नियस रॉक्स, कहाँ पे? मार लगबला अल्लापटना रीजन, जो वहां पे है कर्नाटका रीजन वाली बेल्ट में मिला है। आपको बस पता है कहाँ पे मिला है वो पता होना चाहिए। आल्सो सम पोटेंशियल फॉर रिकवरिंग लिथियम कहाँ पे? फ्रॉम सांबर एंड पंचपद्रा राजस्थान वाले रीजन में और रन ऑफ कच्छ इन द रीजन ऑफ गुजरात। आपको कम से कम अगर वहां भूल गए गुजरात राजस्थान और कर्नाटका, इन तीनों का नाम तो डेफिनेटली याद पता होना चाहिए। रिसेंटली कहां पे रिजर्व्स लिथियम रिजर्व्स आपको देखने को मिले हैं? बंकापुर वॉल्फ सेंचुरी कहां पे है? बेसिकली इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। इट इज द फर्स्ट एवर वॉल्फ सेंचुरी दैट इज देयर इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आईयूसीएन इन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न्ड है, कर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बंकापुर वॉल्फ सेंचुरी, तो वहां पे आपको डेफिनेटली वॉल्फ के बारे में पता होना चाहिए, लीस्ट कंसर्न्ड है एंड अदर थिंग्स। खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम गेम्स है, 2018 से ऐसी गेम्स शुरू करी हुई थी, अंडर 17 और अंडर 21 वालों के लिए दिया जाएगा, और बेसिकली 500,000 रुपया दिया जाता है 8 साल के लिए टू प्रिपेयर बेसिकली फॉर द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, उनको कंपेटिवली हम तैयार कर सके। न्यूज में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली 4
मार्शल आर्ट्स फॉर्म इसमें इंक्लूड करे गए हैं। क्लारेपत्तू कहाँ पे है? केरला का। आपको ये पता होना चाहिए किसका है क्लारेपत्तू, केरला जैसे मतलब कम हो गया, सेंट्रल इंडिया का पता होना चाहिए। इट इज बेसिकली ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम दैट इज एग्जिस्टेंस इन इंडिया, क्लारेपत्तू मल्लकम। इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत बार, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिमनास्टिक दैट इज परफॉर्म्ड ऑन अ वुडन पेल, शीशम वुड होता है कई बार पे, अ केन ऑन अ रोप। मध्य प्रदेश वाले रीजन में इसने बेसिकली काफी ज्यादा फेमस है, डेवलप्ड एज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट ऑल्सो। गत्तका इन द रीजन ऑफ पंजाब वहां पे है, दे आर वेयरिंग बेसिकली बाना एंड चोला जो ड्रेस होती है दे आर वेयरिंग। थांगटा कहाँ का है? थांगटा इज बेसिकली रीजन ऑफ मणिपुर, इस तरीके से किया जाता है। सो लीस्ट कंसर्न्ड या अदर कैटेगरी, हाँ देयर इज अ रीजन डेफिनेटली। अब जो भी एनवायरनमेंट की बुक पढ़ते हैं, लीस्ट कंसर्न्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड है, प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया गया है, उस वजह से इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये चारों का चारों, थांगटा हो गया, गत्तका हो गया, या फॉर एग्जाम्पल मल्लखंब ऑफ मध्य प्रदेश बेसिकली, और क्लारेपत्तू ऑफ केरला, चारों के चारों का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में है। मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली ये कंपैरेटिवली पूछा जाता है। ट्रांसफैट लेवल्स इन फूड, नॉर्मली जिस तरीके से हमारा खाना पीना, बर्गर्स हो गए, अदर थिंग्स, दे हैव इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या डेथ बिकॉज ऑफ द हार्ट इश्यूज दे हैव कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड। इसकी वजह से WHO के मुताबिक 5.4 लाख डेथ टेक प्लेस ईच ईयर ग्लोबली बिकॉज ऑफ द intake of the trans fats that has been taking place. WHO ने बोला है कि called for elimination 2023 तक इसको खत्म कर देना है। 2011 तक पहले regulation किया था कि इसका limit 10% तक को, बाद में कम कर दिया था। अब news में क्यों है? Because 2 and 3% का हमारा target रखा गया है। 21 के लिए 3%, 22 के लिए 2% from the present limit of 5% that has been there, और हमें amendment करना पड़ेगा food safety and standard regulation में, जिसके context में ये development होती है। मृदुल देखो वो तो this is not an class for कौन सा environment, तो वो definitely आप जो भी book पढ़ रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं, astrology तो वहाँ पे देख सकते हैं, तो अलग अलग criterias हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स में आपको क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंटली द लिमिट दैट इज अलाउड इज 5%, 2021 में 3% और 22 में 2% का आपको वो टारगेट कंपैरेटिवली पता होना चाहिए। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में एक बनता है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग आपको देखने को मिली है इन द रीजन ऑफ इंडोनेशिया, लाइमस्टोन केव ऑफ लियांग टंडोंग ऑफ इंडोनेशिया। रेड ऑक्रे पिगमेंट है, डिपिक्ट्स क्या करता है, एक वाइल्ड बोर दैट इज एंडेमिक, कहाँ पे पाया जाता है? सुलावेसी आइलैंड, वो कहाँ पे है? इंडोनेशिया। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कहाँ पे मिली है? बिकॉज हमारे भी पेंटिंग मिली है कहाँ पे, रीजन भीमबेट का एंड लखदर केव्स एंड मल्टीपल अदर केव्स में हमारी वहाँ पे पेंटिंग मिली है, तो वहाँ पे भी आपको ओल्डेस्ट है यहाँ पे इंडोनेशिया वाले रीजन में, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग इज कि जितना भी हमारा इंटरनेट का रजिस्ट्रेशन है या फॉर एग्जांपल डोमेन नेम है अलग अलग, तो जब कंप्लीट डाटा हमारे पास नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस डाटा इज, हम बाहर वाली कंट्रीज को बोलते कि आप सिक्योर करके रखो, जैसे US हो गया या कोई और कंट्री होगी, इनको डाटा ना कंपैरेटिवली ज्यादा शेयर करना पड़े, इसलिए कंटेक्स्ट में एक नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई है, इंडियन रजिस्ट्री फॉर नेटवर्क इंटरनेट नेम्स एंड नंबर, सो दैट दे वुड बी एलोकेटिंग, अलग अलग IP एड्रेस होगा और ऑटोनोमस सिस्टम भी एलोकेट किया जाएगा, देखने में है। इसके नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एक्ट के अंडर बनी हुई है, ये आपको पूरे का पूरा ऐसे ही आ जाता है। वॉट इट इज नॉट प्रॉफिट, कहाँ पे है, कंपनीज एक्ट के अंडर है कि नहीं है, किसके लिए है? फॉर पेयरिंग द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अमंग देमसेल्फ, सो दैट जो भी डोमेस्टिक टैरिफ ट्रैफिक है दैट कैन बी स्टेड विद इन द कंट्री, इंस्टेड ऑफ दूसरी कंट्री US या किसी और कंट्री को वहां पे नहीं जाने। जब अब ऑफर क्या करेंगे, वी विल बी ऑफरिंग अ फ्री इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम, कितनी लैंग्वेजेज में, 22 इंडियन लैंग्वेजेज में, अलॉन्ग विद एवरी इंडियन कंट्री कोड that has been basically booked by the registrant.
कोशिश क्या करी जा रही है ताकि पूरे का पूरा जो डाटा है हमारा, या फॉर एग्जांपल ट्रैफिक है, उसको इंडिया में ही कंट्रोल किया जाए. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2013 में कंपनीज एक्ट के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया. हेलियोफिक्स फिजिक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा. किसके लिए है? सन को एक्सप्लोर करने के लिए. एंड सिस्टम बेसिकली जो स्पेस का वेदर नियर अर्थ जो बेसिकली कंट्रोल करता है, हेलियोफिक्स मिशन, उसकी कंपैरेटिवली देखा जाएगा. हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन. अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से सोलर विंड्स एंड सोलर एक्सप्लोजन्स पता लगेगा कि कैसे कैसे इवेंट्स होती है और उनको प्रेडिक्ट करने में काफी ज्यादा है. हेलियोफिक्स मिशन किसके लिए है? सन और उसके आसपास और इंडिया का वेदर कैसे डिटरमिन किया जाता है उसके बारे में, और सेकंड इज बेसिकली नासा के बारे में. नासा ने ये किया है, दोनों चीज आपको पता होना चाहिए. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ये है, दिस इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंप्लीटली. तो ये बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा. समझाना है या कि इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज अ सोल ऑब्जेक्टिव. ये कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए. तो इसके कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्टली. सेकेंडली, इट आई एम नॉट डीलिंग डूइंग दोज थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट. जितना है टू द पॉइंट ही कर रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल तो आपको पता ही है जो मार्केट में चल रहा है. ये 365 है, ये है, ये है इसका इसका. तो मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने क्या दिया हुआ है, लेकिन आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जितना आपको जब किसी मंथ का करंट अफेयर कवर कर लेंगे, आप उसके बाद ये नहीं कह पाओगे सर ये इसका बच गया, ये उसने दिया हुआ रहा, हमने नहीं कवर किया हुआ. दैट विल नेवर बी द केस. बट एक बात पॉजिटिव है, कंटेंट बहुत छोटा मिलेगा और उनके सबके कंपैरिजन में सबसे इनरिच भी होगा. क्यों? एवरीथिंग वी आर बेसिकली कवरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर. जो वहां से न्यूज आ रही है डायरेक्टली, उसको शॉर्ट फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं. एनजीसी 2808 एक स्पॉट किया है, एक रेयर हॉट यूवी ब्राइट स्टार बेसिकली इन द मैसिव ग्लोबुलर क्लस्टर ऑफ अवर मिल्की वे, वहां पे किया है. क्या है? इट इज सेट टू हैव, क्या है यहां पे, 5 generations ऑफ द स्टार विच एग्जिस्ट इन द लेट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन. और वो ऐसा भी हो सकते हैं कल को किसी सन की तरह, किसी स्टार की तरह इमर्ज भी वहां पे हो सकते हैं. ये नो डरने की क्या बात है. अंडरस्टैंड क्या करेगा कि बर्थ ऑफ अ स्टार और डेथ ऑफ अ स्टार के बीच के फेज को बेटर इजिली अच्छे तरीके से समझने में कंपेरेटिवली काम हो जाएंगे. क्या है ग्लोबल? एक बेसिकली क्लस्टर मिला है मिल्की वे में और कुछ नहीं है. कोलर लीफ नोज्ड बैट हैज बीन फाउंड. इट इज फाउंड ओनली इन द केव्स इन कर्नाटका, एंडेमिक टू इंडिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. इसको लिस्ट किया गया है IUCN कैटेगरी में. इट हैज नॉट बीन अकॉर्डेड लीगल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर. इसको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी है. क्या पता होना चाहिए कि यह कर्नाटका में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंडर के कवर है? नहीं, ये नहीं कवर है. डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. रिजा एक ट्रेडिशनल कपड़ा है बेसिकली. कहाँ का है? रीजन ऑफ त्रिपुरा. ट्राइबल अटायर है, दैट हैज बेसिकली बीन यूज्ड. एज अ हेडगियर भी यूज कर सकते हैं. स्टोल फीमेल अपर क्लॉथ, या कहीं किसी को ऑनर या डिस्टिंक्शन देने के लिए भी एक ऐसे कपड़ा परना टाइप सा होता है, जैसे शी इज होल्डिंग, तो उसको आप किसी को आगे भी दे सकते हो. नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग बेसिकली वी वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर मैप, फील्ड मैप कराना चाहिए पूरा, ताकि प्रॉपर ग्रेविटी एंड अदर थिंग्स को पता करवाने के लिए. फॉर सिस्टमेटिकली जनरेटिंग बेसिक एंड ड्राइव्ड मैप फॉर ग्रेविटी एनोमली एंड अदर थिंग्स दैट आर बेसिकली टेकिंग प्लेस. इसके लिए क्या किया जाएगा? इट विल बी कंडक्टिंग अ ग्राउंड ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सर्वे. हर 2.5 kilometers के आसपास एक स्टेशन लगाया जाएगा, स्टेशन होगा. इसके कंटेक्स्ट में दे विल बी ऑब्जर्विंग व्हाट इज द डेंसिटी. इट इज फ्री फ्रॉम, नॉर्मली जो दूसरे पेंट्स में होता है, फ्री फ्रॉम लेड मर्करी क्रोमियम आर्सेनिक कैडमियम, तो वहां पे नहीं होता. मतलब जो दूसरे पेंट्स होते हैं वहां पे ये सब चीज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे नहीं. यूपीएससी ने सेम चीज कम से कम 2 times पूछ चुके हैं कि इसमें किसमें होता है, किसमें कंपेरेटिवली, ये नहीं होता. सर्टिफाई किसने किया? ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड, BIS ने. करंट अफेयर बंदना
स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन भी कंपेरेटिवली आ जाते हैं कि इंडिया में लेपर्ड्स का स्टेटस क्या है, और नॉर्मली वहां पे लेपर्ड फर्स्ट ऑफ इट सर्वे किया गया था, दैट वाज देयर इंडियन लेपर्ड इंक्रीज हुआ है पिछले 4 साल में 2014 से, एंड दैट इंक्रीज हैज टेकन प्लेस बाय 60%. हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेपर्ड्स आपको कहां पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका. मध्य प्रदेश कर्नाटका और महाराष्ट्र ये बैक टू बैक है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कौन कौन सा इसमें कवर किया जाता है. तो ये तीनों का तीनों आपको पता होना चाहिए. क्या लेपर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इंक्रीज बाय 20% और इंक्रीज बाय 60%, ये आपको पता होना चाहिए. कंपेरेटिवली काफी सिंपल सी सीधी सी स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है. नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग दैट हैज बीन देयर, जीएसआई करता है कि कौन से एरिया में कितने एलिमेंट्स दैट आर बेसिकली प्रेजेंट, कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं. इट इज एन ऑल इंडिया प्रोग्राम टू कवर द एंटायर सरफेस जियोकेमिकल सैंपलिंग करने के लिए. क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ 62 एलिमेंट्स, उनका अलग अलग कैटर्न अलग अलग एलिमेंट्स है 1 किलोमीटर × 1 किलोमीटर के हिसाब से, एक एक किलोमीटर के हिसाब से इसको ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि हम पूरे के पूरे कंट्री में समझ सकें कि कितने हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रिसोर्सेज है, और उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. इसके लिए नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग किसने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है किसने किया हुआ है. द सेकेंड क्वेश्चन कैन बेसिकली भी कि ये फॉर एग्जाम्पल ग्रिड 1:1, 10:10, 100:100 किलोमीटर के बारे में है कि कैसे है, और हिंदी में भी है. पीडीएफ तो अपलोड हो जाएगा, साथ में नोट्स में अपलोड हो जाएगा मनप्रीत जो सेक्शन में है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, कौन तैयार करता है, यूनाइटेड नेशन. इसने क्या बोला कि कोरोना वायरस के चक्कर में अप्रॉक्सीमेटली माइग्रेशन स्लो हो गई है इंटरनेशनल लेवल पे 30% तक. आपको 30% पता होना चाहिए, और इससे ज्यादा ही फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए कि किसने किया है, यूएन ने किया है. टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में हाउथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्म्ड बाय जेडेड स्कॉलर्स, एक शिया सेक्ट है, कहाँ पे रहते हैं, यमन में. यूनाइटेड नेशन ने इसको रिव्यू किया है हाउथी टेररिस्ट लेवल को पूरा, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मानी गई है, यमन में रहती है, शिया को सेक्ट को फॉलो करती है. जेडेड स्कॉलर ने फॉर्म करी थी कहाँ पे, आपको यमन वाला एरिया पता होना चाहिए. क्यू न्यूज में था कि यूएस कह रहा है कि हम इसके लेवल को, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, उसको रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. आकाश एनजी मिसाइल that has been there, it is a new generation surface to air missile. pehle baat to ye pata hona chahiye, missiles can be air to air, surface to air, other thing surface to surface. yes, surface to air missile hai, kaun use karega, indian air force use karega isko. pehle baat kiske liye, intercepting long maneuvering low radar cross section aerial threats jo bhi hai. How detectable an object is, देखिएगा कि कितना एक ऑब्जेक्ट को आप कंपेरेटिवली डिटेक्ट कर सकते हैं. सेम चीज ईशान ऐप में नहीं होगी, जो चीज करंट अफेयर आपको यहीं पे करवाया जाएगा, आपको यहीं से करना होगा. एक न्यू जनरेशन मिसाइल है, ऐसा तो नहीं होगा जो पढ़ा दिया उसके बाद करंट अफेयर चेंज हो जाएगा, करंट तो वही रहेगा. सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन यूज कर रहा है, एयरफोर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए. रवाकी रडार का काम तो सब करते हैं. बनाना ग्रिट एक नया फूड है, डेवलप्ड फ्रॉम नंद्रन बनाना, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है. किसके लिए है, अपना पेट या फॉर एग्जांपल उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. प्रोडक्ट टू इंप्रूव द ग्रिट हेल्थ एंड इज आइडियल इंग्रेडिएंट फॉर अ हेल्दी डाइट दैट वुड बी देयर. कंसेप्ट क्या किया है, टू यूटिलाइज द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंट स्टार्च दैट इज अवेलेबल इन द बनाना, जो वाइट टाइप सा होता है उसको कंपेटिवली यूज किया है. स्टार्च क्या होता है, इट इज अ वाइट ग्रैनुलर ऑर्गेनिक केमिकल दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स. ये आपको इतना ही पूछा जा सकता है प्री में, वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट वाइट टेस्टलेस पाउडर होता है,
इनसॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर, अल्कोहल एंड अदर सॉल्वेंट्स वहां पे है. इतना ही, जब आपको ये नहीं पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है, ये क्या है बनाना ग्रिट, अगर नहीं पूछा तो स्टार्च के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों, क्या न्यूज़पेपर में डायरेक्टली आया था वो यहाँ से डायरेक्टली ये स्टेटमेंट उठा के पूछा जा सकता है. द बनाना हैज बीन ग्रोन बेसिकली इन केरला और इसको GI टैग भी मिल चुका है 2014 में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सैटर्न टिल्टिंग एक्सिस, कि सैटर्न का शनि का झुकाव क्यों है एक्सिस के कारण. टिल्ट इज बेसिकली ऑन द एक्सिस ऑफ द जायंट सैटर्न is caused by its moon. कहते हैं कि इसकी moon की वजह से है tilt वहाँ पे है. The current tilt of the Saturn rotation axis is caused by the migration of its satellite, especially the largest moon Titan. इसकी migration की वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे comparatively वो tilt सा थोड़ा सा हो गया है moon के migration की वजह से. M sand policy. राजस्थान की सरकार ने एक sand policy बनाई है ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेसिकली प्रमोट किया जा सके. इट इज बेसिकली एम सैंड एक सैंड है जो क्रशिंग हार्ड ग्रेनाइट स्टोन एंड रॉक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेरीज, उनको क्रश करने के बाद वो होता है. इंडस्ट्री स्टेटस दिया जा रहा है सो दैट अगर किसी भी चीज को इंडस्ट्री का आपने स्टेटस दे दिया तो वहां पे कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द नेचुरल बजरी जो रिवर सैंड पे मिलती है. Enable the investors to set up a unit by utilizing the incentives. सरकार incentive देगी क्यों, अगर इसको as a industry का status दे दिया तो आपको automatically incentives भी मिलने लग जाते हैं. तो आपको पता होना चाहिए M sand policy कौन सी सरकार ने है, that is by the government of Rajasthan. और क्या इसको industry का status दिया जाएगा, yes. मकरा विलक्कू festival that is there. मकर संक्रांति केरला सबरीमला टेम्पल पे फेस्टिवल मनाया जाता है. तीर्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, दोनों के दोनों हिमाचल वाले रीजन में है, तीर्थान और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क. नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम, इसने फिर ही वही की मैप करना है पूरे का पूरा. टू डिलीनेट द कंसील्ड या जो भी सीटेड स्ट्रक्चर है पूरे के ऊपर लिथोस्फीयर को करेंगे कि कौन से लिथोस्फीयर में हमारे कितने मिनरल्स है उसको देखने के लिए. पहले बार एक मल्टी सेंसर एरो जियोफिजिकल सर्वे को किया जा रहा है. बेसिकली किसके लिए है, दे लार्ज स्केल पे किया जा रहा है. दैट वुड बी ट्रांसवर्सिंग 300 मीटर्स लाइन स्पेसिंग विद एयरक्राफ्ट, जो 80 मीटर ग्राउंड अबव है वो देखेंगे कि अर्थ 80 मीटर तक है, अर्थ के 300 मीटर तक अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेस को मिनरल्स को कंपेटिवली पता लगा सकते हैं. नेशनल एरो जियोफिजिकल हवा से देखेंगे जियो अर्थ में कौन कौन से रिसोर्सेस है कौन से नहीं है. रिवर सबरी ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न स्लोप ऑफ द ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा वाले स्टेट पे. ऑलरेडी पूछा जा चुका है रिवर सबरी कहाँ पे फ्लो करती है तो वो दोबारा फिर पूछा जा सकता है. इट इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी आल्सो नोन एज कोलाब रिवर इन द रीजन ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा से दो तीन बार अलग अलग रिवर्स के नाम से एक क्वेश्चन UPSC में आ चुका है, इसको दोबारा फिर कंपेटिवली पूछा जा सकता है. That's all. तो आज का हम करंट अफेयर यहीं पे खत्म करेंगे. विल नेक्स्ट कंटिन्यू द जनवरी करंट अफेयर इन द मंथ इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो. और जो भी है इसका PDF दैट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड वो आप देख सकते हो, आपको वहीं पे मिल जाएगा PDF उस पूरे का पूरा इस क्लास नोट्स का. अब क्लास नोट्स के सेक्शन में वहाँ पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे क्लासेस के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. 8 और 11 अप्रैल को टेस्ट होगा 1 बजे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और उसके लिए आप मुलुक का IS ऐप पे एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.